Dear children, welcome to Lockdown E-Pathshala, DC Ramgarh. Today we are going to listen the poem Be a Friend Part 2. एक दोस्त बनो. This poem is about friends and friendship. अभी तक इस कविता में हम लोगों ने क्या सुना कि दोस्त बनने के लिए धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, बस एक प्रसन्न स्वभाव की जरूरत है, एक मुस्कान की जरूरत है। दोस्त बनने के लिए बहुत बड़े गौरव और ख्याति की भी जरूरत नहीं है। दोस्ती तो बस एक साधारण सी कहानी है। चलिए सुनते हैं आगे की पोएम। बी अ फ्रेंड, एक दोस्त बनो। The pay is bigger. दोस्त बनने का जो वेतन है, पेमेंट है, वो बड़ा है। दो, not written by a figure. यद्यपि उस पेमेंट को संख्या में नहीं लिखा जा सकता है। Than is earned by people clever. इस सेंटेंस के साथ जोड़ा गया है द पे इज बिगर देन इज अर्न्ड बाय पीपल क्लेवर। एक होशियार आदमी, एक स्किलफुल आदमी, कार्यकुशल आदमी जितना कमाता है उसकी अपेक्षा ये पेमेंट, ये वेतन बड़ा है। इस बिगर देन को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ग्रामर के घर में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज 3 है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स किसी की अपेक्षा बड़ा और बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिच मीन्स धनी, रिचर मीन्स किसी की अपेक्षा धनी और रिचेस्ट मीन्स सबसे धनी। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, किसी की अपेक्षा अच्छा और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग कविता के घर में। द पे इज बिगर Than is earned by people clever. होशियार लोग के द्वारा जितना कमाया जाता है उसकी अपेक्षा ये दोस्त बनने का पेमेंट जो बड़ा है। In what's merely self endeavor. अब कौन से लोग के द्वारा? जो लोग स्वयं के लिए केवल प्रयास करते हैं उनके पेमेंट से ये पेमेंट ज्यादा बड़ा है दोस्त बनने का। You will have friends instead of neighbors. तुम्हारे पास होंगे दोस्त पड़ोसी के बदले में। जो तुम्हारे पड़ोसी हैं वो उसके बदले में वो दोस्त बन जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है, ध्यान से देखिए। ये अमेरिकन पोएट के द्वारा लिखी गई कविता है तो उन्होंने यहाँ अमेरिकन इंग्लिश का उपयोग किया है। NEIGHBORS। हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें BOUR होता है नेबर का स्पेलिंग। तो अमेरिकन इंग्लिश में ऐसे ही देखिए, यहाँ लेबर है LABOR और हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें LABOUR। तो देखिए आगे, फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ योर लेबर। आप जो परिश्रम करेंगे दोस्त बनने के लिए उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो लाभ है, यू विल बी रिचर इन द एंड Than a prince if you are a friend. आपको जो प्रॉफिट मिलेगा अपने परिश्रम का दोस्त बनने के लिए, जो लाभ मिलेगा, इससे आप धनी हो जाएंगे अंत में। और किससे ज्यादा धनी हो जाएंगे? रिचर देन ए प्रिंस, एक राजकुमार से भी ज्यादा आप धनी हो जाएंगे। कब? इफ यू आर अ फ्रेंड, अगर आप किसी के दोस्त हैं। अच्छी लगी ना कविता? बहुत ही अच्छी कविता है और बहुत ही सीख लेने वाली कविता है कि हम अगर दोस्त बना लेंगे तो हमारा पेमेंट, हमारा वेतन बहुत अधिक हो जाएगा, हमें बहुत अधिक प्रॉफिट मिलेगा और हम राजकुमार से भी ज़्यादा धनी हो जाएंगे। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल यू गेट फॉर योर लेबर? आपको अपने परिश्रम के लिए क्या मिलेगा? सेकेंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेबर एंड फ्रेंड? पड़ोसी और दोस्त में क्या अंतर है? थर्ड, हाउ कैन यू बी रिचर देन ए प्रिंस? कैसे आप एक राजकुमार से भी ज्यादा धनी हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कविता से 5 जोड़े समान लय वाले शब्द, राइमिंग शब्द चुन कर लिखें, जैसे नेबर, लेबर। ऐसा इजी है ना क्वेश्चन? आप इजीली बना सकते हैं। थैंक यू।